हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे क्या खुली क्या खुली खुशबू लुटा दे अब उसका पता दे मैं उस चुप एकदम बहुत जल्दी जाग रही है तुम्हें सुबह सुबह अच्छा सॉरी बेगम मैं दूसरा गाना गा लेता हूँ अम्मा देख चुप करो बाहर निकलो तुम्हें ऑफिस ही जा रहा है क्या बहुत मस्ती सूझ रही सुबह सुबह नहीं पागल हो गए हो जी जी बेगम मैं आ रहा हूँ बस मैं निकल रहा हूँ दो मिनट में भाभी वो मैंने चूल्हे पर चाय रखी आप जरा देख लिएगा अपना कोई काम तो पूरा कर लिया करो बिस्मा हर काम में तुम्हें 10 काम याद आ जाते अरे भाई चाय पिला दो कोई भाई सुबह से 10 बार बोल चुके हैं इतनी देर में तो होटल में चाय आ जाती वहाँ 100 लोगों की चाय बनती है उसे देर नहीं होती और एक तुम लोग हो अरे हशू छोड़ो ना यहाँ तो सबके सब जहन्नमी है क्यों इतना खून जला रहे हैं अपना आप और इन जहन्नमियों की सरदारनी तुम हो यहाँ बैठी हुई बातें बना रही हो ये नहीं कि उठ के चाय ले आओ तो मुझसे कब कहा आपने चाय लाने को अच्छा यानी जब तक मैं बोलूंगा नहीं तुम हिलोगी नहीं यहाँ से तुम्हें पता है अच्छी तरह कि मेरी आदत है सुबह उठते ही पहले मैं चाय पीता हूँ मैंने तो कभी नहीं देखा सुबह उठते ही चाय पीते हो बातें बना रही हो सुस्त औरत यहाँ बैठे बैठे हुज्जत कर रही हो दबा रही हो मुझे चलता हूँ क्या हो गया जंग पे जा रहे हो क्या अरे अब क्या हो गया कौन सी जंग तो सुबह सुबह तैयार होकर अपने बाप के वलीमे पे जा रहे हो क्या अरे भाई एक तो आपको इतनी इज्जत दे रहा हूँ हाथ चूम रहा हूँ आपका और आप बिला वजह सुबह सुबह मेरे ऊपर तप रहे हो दफा हो जाओ शक्ल गुम करो मत दो हमें इज्जत जाओ दफा हो ओके आई डोंट माइंड ये देखो गोर्बाचोफ की औलाद आई डोंट माइंड और बुढ़िया तुम यहीं बैठी रहना मर जाना यहीं पर सुबह सुबह ना 10 काम होते हैं अपना सर्कस मत शुरू क्या करें और वैसे भी क्या करेंगे चाय पी के पूरा दिन मटर गश्ती करेंगे अरे क्या बोल रहे हो लाइन क्लियर नहीं है भाई क्या मतलब है मटर गश्ती करता हूँ क्या मतलब है मटर गश्ती करता हूँ मैं हूँ तो तुम सब जुड़े हुए हो मैं ना हूँ तो झाड़ू के टिंको की तरह बिखर जाओ सब लोग हैं क्या चले जाए कहीं हो जाए गायब कर ले हमने ये तजुर्बा भी पूरा आए हाय ये क्यों गायब होने लगे रूह है कोई आत्मा है जो गायब हो जाएंगे अरे देख रहे मैं फोन पे बात कर रही हूँ फिर भी इतना शोर मचा कर रखा हुआ है चिकचिक खत्म नहीं होती मेरा बेटा दुबई मजदूरी करने गया तुम यहाँ टहल टहल के किससे बात कर रही हो उसी मजदूर से बात कर रही हूँ और आप ना हर बात में टांग ना अड़ाया करें और तुम यहीं पड़ी रहना तुम मत उठना यहाँ से अरे चाय आ तो गई इसमें चीनी का मैं जाओ चीनी नल के लाओ अरे बगैर पिए कैसे बता दिया चीनी नहीं है नजर आ रहा है उसकी दूध की शक्ल देख के नजर आ रहा है जाओ लेकर आओ चीनी नल के लाओ इसमें हाय हाय सुबह से डांटे चले जा रहे हो ये नहीं पूछ रहे कि मैं यहाँ बैठी क्यों उठ क्यों नहीं रही घुटनों में रात से दर्द है दवाई भी खत्म हो गई मेरी रहने तो बैठी रहो यहीं पर बहाने खत्म नहीं होते कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दवाई का नाम आया तो चिटर बुड्ढा कैसे उठ के भागा बेगम 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 क्या हो गया क्यों गला फाड़ रहे हो मैंने सुबह सवेरे उठकर शर्ट प्रेस करके यहाँ रखी थी वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं कहाँ गई इंसान बन जाओ ना तुम्हारी जबान खींच के पंखे से बांध दूंगी नहीं बेगम सॉरी मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आखिर वो शर्ट गई कहाँ मुझे क्या पता यहाँ वैसे 10,000 काम होते हैं अब मैं तुम्हारी चौकीदारी भी करूँ अरे भाई बस 2 मिनट की मुसाफत पर हूँ बस पहुँच रहा हूँ भाई पहुँच रहा हूँ भाई अरे सुल्तान कौन सी मुसाफत पर हो ये सब क्या हो रहा है अरे वो दुबई से बहरोज ऑनलाइन है बिस्मा से बात करना चाह रहा है उसके पास जा रहा हूँ तुम बस इन्हीं कामों में लगे रहना अरे दौड़े दौड़े सुल्तान भाई और तेज जाए ये लो आ गई बिस्मा बहरोज है क्या लाओ मुझे दो हेलो बहरोज बेटा कैसे हो बेटा वहाँ सब खैरियत है मौसम कैसा है डेरा दुबई गए थे ये बताओ डेरा जाओ तो शुरतों से होशियार रहना बहुत पकड़ के सूटते हैं भाई ऐसा मुझे पता चला है अरे पापा आप मेरी बिस्मा से बात कर रहे हैं मुझे उसकी बहुत याद आ रही है कहाँ है मेरी बिस्मा क्यों मुझे आप डेरा की दही खिला रहे हैं दे उसे फोन लानत तुम्हारी जिंदगी में बहरोज बाप से बात करने का दिल्ली चाह रहा तुम्हारा वहाँ भी नाम मुराद रहोगे देखना तुम हेलो बहरोज सुल्तान ये मोबाइल में क्या हो गया इसमें तो कबर का अंधेरा छा गया अरे तो वहाँ कोने में क्यों चले गए वहाँ वाईफाई के सिग्नल नहीं आते डीसी हो गया होगा अरे नहीं हो सकता डीसी भाई बहरोज की इतनी काबिलियत ही नहीं है वो डीसी कहाँ से लग गया अरे भाई सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गए होंगे वाईफाई के आप इंसान है या शैतान ये बता दे मुझे इतनी देर बाद मेरी बहरोज से बात हो रही थी बीच में आकर रास्ता काट दिया आप अपने सुसर को काली बिल्ली कैसे बोल सकती है सुल्तान होश में रहकर बात करो ये उसने कब बोला तो और रास्ता कौन काटता है पूरा का पूरा जाहिलों का खानदान है किसी को जरा तमीज नहीं है प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज नहीं
रहेंगे इस घर में। बस बस सारे ड्रामे जानता हूँ तुम्हारे। जब तक वो यहाँ पढ़ा हुआ था तब तक तुम उससे बात नहीं करती थी। अब वो दुबई चला गया तो तुम्हें धर्म आने का लालच है। तुम मीठी बन के मिस्ती बनी हुई हो। लालची खानदान है तुम्हारा, अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम लोगों को। अरे वो बुढ़े, हमारे खानदान के बारे में कहने से पहले अपने गरीबान में झाको। लालची चीटर फ्रॉडिये। ये किस किस्म की जबान इस्तेमाल हो रही है इस घर में? कोई तहजीब शाइस्तगी नाम की चीज है? सुल्तान भाई आप तो खामोश रहिए बस। बिस्मा होश में रखकर बात करो, बहनों ये तुम्हारे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किसी की जान के बिना उसकी चीज को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? मतलब मैंने ऑफिस जाने के लिए शर्ट प्रेस की थी, इस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं है। मतलब जमीन खा गई आसमान, मुझे कोई ये समझाए। इधर मैं समझाता हूँ, इधर यहाँ आओ, ये तुम्हारी शादी, इधर आओ, इधर सामने आओ। इस कदर खतरनाक टक्कर मारी है भाई, हवास बाख्ता होकर गिर पड़ा ये तो। इधर आओ, तुम्हें बताते हैं, हमारी औलाद है, हमारी मर्जी जैसे चाहे टक्कर मारे। फिरोज तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ पे पड़े हुए सो रहे हो, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? लगता है ज्यादा मस्ती सूझ रही है। ये देखो बेगैरत, ऑफिस ना जाने के बहाने कर रहे हो, चलो उठो दफ्तर जाओ। फिरोज अम्मी तमीज से बात क्या करो, शौहर है तुम्हारा, कुछ जरखरीद गुलाम नहीं है ये। क्या मसला है आपके साथ, चुप करें आप। हाँ भाई करो जो तुम्हारी मर्जी है करो, तुम्हारा शौहर है, हमें क्या। उठो तुम, उठो। अब तुम ना ऑफिस चले जाना वरना कसम से मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। सारे के सारे ना यहाँ पे पागल हो चुके हैं। बेगम मेरी शर्ट का है। बेगम के खानदान में ना किसी की हाइट इतनी नहीं होगी जितनी मेरी है, बेगम कह रहा है। ये इसको पकड़ो अपने शौहर को। अबे ओ मजनू, लड़की के लिए आया है, तू तो ऐसे मुंह बना के खड़ा हुआ जैसे तेरे घर का बिजली का बिल ज्यादा आ गया हो। कॉन्फिडेंस ला, कॉन्फिडेंस। अबे ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इन लड़की से मिलने आया तू, अखाड़े में लड़ने नहीं आया। ये बहुत ज्यादा कम हो गया, ऐसा लगता है जाम ट्रक के नीचे आ गया, उसके बीज लटके हुए हो। चल भाई चल, मैं खुद कर लूंगा। ठीक है भाई, भाई की बात नहीं मानो, मैं तो चाहता हूँ तेरा भी घर बच जाए, तुझे भी कोई लड़की मिल जाए, मगर तेरी खोपड़ी में कोई बात ही नहीं आती। अबे तो भाई क्या करूँ, कहाँ से लाऊं इतना कॉन्फिडेंस, इतना ये बस इसी से काम चलाओ। ओ भाई जिस लड़की के चक्कर में तू पड़ा है ना, आधे मोहल्ले के लड़के उसके दीवाने हैं, दो तो टांग तुड़वा के बैठ गए, एक का हाथ टूट गया, एक तो वफात पा गया, इतना आसान नहीं है उसको सेट करना। अबे मुझसे सेट तो हो जाएगी ना। चांस ले ले भाई, वो ठीक कहा है शायर ने, खाक में मिले नगीने लोग, लड़की ले गए कमीने लोग, चांस ले ले। तू देखना इस बार तो मैं ही लेके जाऊंगा, मान ले है ना कमीना। अबे आ गए, आ गए। आप रोजाना क्यों लेने आ जाते हैं? मैं खुद भी तो आ सकती हूँ। अरे आप मेरी बीवी हैं, ये तो मेरा फर्ज है। अरे लाए बैठ दीजिए, और गर्मी देख लिया आप कितनी हो रही, ये जूस। अल्लाह शेरी, पता नहीं मैंने और मेरे माँ बाप ने कौन सी नेकियां की थी जिनके सिले में आप मुझे मिले। दिल तो चाहता है आपके पाँव छोड़ूं, लेकिन शहर मेरे देवता जैसा होता है ना। अरे आप तो मेरी देवी हैं, मेरी बीवी हैं, मेरी मोहब्बत, मेरी जान, मेरा सब कुछ है। आप चले आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैठे बैठे। मुजाहिद अपनी औकात में आकर। बे लड़की रक्शे में बैठकर चली गई, तू क्या उसके व्हील चलते हुए देख रहा है? हैं? चली गई? कहाँ चली गई? हाँ कोचिंग सेंटर आई थी, इन्होंने डायपर मंगाया वो लेने गई है। अबे अपने घर गई है और कहाँ गई है? चल भाई स्टार्ट कर जल्दी चल, मुझे आज उसी से बात करनी है, चल निकल यार। ओ भाई इतनी पिद्दी मत लगा, मुझे घर पता है, अंडा मोड़ पे रहती है, ले जाऊंगा चल। हाँ तो चल ना, चल चल चल, भगा भगा। पहले से बोलते क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों खड़े मौत के फरिश्ते की तरह? अरे 12 बज गए हैं भाई, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, लंच का क्या सीन है? बचते रहे 12, मैंने कोई ठेका लेके रखा हुआ जेके चढ़ाने का। ये देखो ये देखो, ये तरबियत है अलाउद्दीन की औलाद की, आखिर तवक्का भी क्या की जा सकती है इनसे। अरे भाई क्या हो गया, क्या मुसीबत है? बहरोज के दोस्त का फोन आया था दुबई से, वहाँ उसे शर्तों ने पकड़ लिया, उसके पास से ड्रग्स। क्या? हाँ अगले हफ्ते उसकी गर्दन उड़ाने वाले। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं मजाक कर रहा था मैं तो ये पूछने आया था दोपहर के खाने का क्या सीन। इतना घटिया मजाक करते हुए आपको शर्म नहीं आती? और मुझसे क्या पूछ रहे लंच का, सारा दिन घर में टहलते फिरते, अगर इतनी भूख लगती जाकर खा ले। ये देखो रुकैया की औलाद को, जैसी जाहिल माँ वैसी जाहिल औलाद। तुम कितना पढ़े लिखे हो ये बता दो। अरे बड़े मियाँ, तुम और तुम्हारी औलाद निरी जाहिल,
जुमले कसते हो हम पर? रुकैया रुकैया, चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा मैं, रुकैया। अरे भाई क्या हो गया, क्या आहो बका है, ये किस किस्म की चीख निकाली है आपने? सुल्तान तेरा तो मैं आज खून पी जाऊंगा। तेरा नाम रुकैया है, तू रुकैया है जो पूछता हुआ आ गया, क्या हुआ क्या हुआ? अरे भाई सुल्तान, आप भी किसके मुंह लग गए? अरे भाई हुआ क्या है इस शख्स को, ऐसी दीवानगी, इतना जुनून। इधर आओ, तुम्हें दिखाएं दीवानगी जुनून, ऐसी टक्कर मारूंगा तुम्हारी नक्सीर फाड़ दूंगा। इधर आओ तुम। अरे चले सुल्तान, इसका कुछ भरोसा भी नहीं है। अरे क्या हो गया अशु, क्यों गला फाड़ फाड़ के आवाजें लगा रहे हो? तुम्हें मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ, तुम कहाँ गायब थी? तुम्हारी औलाद मुझे जाहिल बोल रही है, मेरा दिल जला रही है, और तुम पता नहीं कहाँ लाश की तरह पड़ी हुई हो। अरे हशु, जाहिल होना कोई बुरी बात थोड़ी है, तुम पढ़ लिख नहीं सके तो मुझे कोई एतराज नहीं है, आज दफा करें, इन लोगों को जाने भी दें। सबसे बड़ी जाहिल रुकैया तुम हो, तुम्हारा तो मैं फैसला करता हूँ। आइए बताओ फिनाइल कहाँ रखा हुआ? नहीं हशु नहीं, मैं मरने नहीं दूंगी आपको। नहीं नहीं, मैं नहीं मर रहा, तुम्हें पिलाऊंगा ताकि तुम्हारी ये जबान गल जाए। शौहर के साथ गजबर लंबी जबान है, चलाती रहती हो चलाती रहती हो। अरे हशु क्यों भिदक रहे, अरे रुक तो जाओ, क्यों भिदक रहे? हेलो शहरी, कहाँ हो तुम भाई, सुबह से निकले हुए हो? अरे भाई अब्बा अपना काम करो, मैं जहाँ भी हूँ तुम्हें क्या? बात करने की जरूरत नहीं है, फौरन वापस आओ, मिशन स्टार्ट करना है। अरे अब्बा मैं खुद मिशन पे हूँ, बाद में बात करेंगे यार। अरे मेरी बात सुनो भाई, मैं तुम, अरे मेरा फोन काट दिया, बाप का फोन काट दिया अपने। शहरी तुझे भी न जाना जाके मारूंगा, दिमाग खराब कर रहा है मेरा ये लोग। उसी दिन से तुझे अपना बना डाला, ये जादू चढ़ गया है, ये जादू चढ़ गया है, तू मुझको लड़ गया है मेरी जाना। जा मेरे दोस्त, और आज अपने दिल की बात उस लड़की से कह दे, सीना चौड़ा करके बात करना, लड़कियों को ये अदा पसंद आती है। जाऊं? अबे आज जा, उसकी गली तक ले आया, घर में थोड़ी ले जाऊंगा, मुझे भी पिटवाएगा कुत्ते की तरह, जा। अबे बाल सही कर ले तुरे। हेलो हेलो, बात तो सुने। हेलो जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझसे? जी फरमाइए। सीधी बात है, मुझे आपसे प्यार है, आसान लफ्जों में। एक्सक्यूज मी? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, इट्स ओके। अरे 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 अरे, ये क्या तरीका हुआ, ना हाँ बोला ना ना बोला, आप तो चलती चली जा रही है। अरे हमने कुछ कहा है आपसे? तरीका, आप चले जाइए यहाँ से फौरन। कहाँ चले, आप ही बता दीजिए पहले। वैसे अब आप कहीं जा भी नहीं सकते, अगर स्कूल गए होते तो आज कहीं जाना ना पड़ता। जाहिल। अरे अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने, अरे मेरी बात तो सुने आप, एक्सक्यूज मी प्लीज, बात तो सुन लीजिए ना। क्या हो गया, किस मोहल्ले गए? ओ भाई मेरा कोई मोहल्ला वोल्ला नहीं है। अबे भाई ये जी ब्लॉक है, लड़की चढ़ता हमारे मोहल्ले में। ऐसे मारोगे, निकल ले। ओए मुजाहिद, कुत्ते की तरह मार रहा है ये लोग। अल्लाह लंबी लड़की चढ़ता। अगर मैं भागा तो मुझे भी धोएगे तू ना, मैं भी हाथ साफ ही कर लूं। आ रहा हूं भाई, मारो इसको, मारो लड़की चढ़ता। मार अल्लाह लंबी लड़की को, चेहरा यार की मार, लड़की चढ़ता, लड़की चढ़ता, मारो अल्लाह। हां किसी की मां बहनों को चढ़ता दे, चढ़ो दे दे, चढ़ता मारो अल्लाह, लड़की चढ़ता, मारो लड़की चढ़ता, मारो अल्लाह। एक बेटा दुबई चला गया, दूसरा बेटा ऑफिस चला गया, तीसरा मिशन पे निकल गया, और ये समझ रहे हैं कि अशमत अकेला कुछ नहीं कर सकता, अशमत अकेला सबकी नाक में नकेल डाल सकता है। अबे अपने ऊपर भी वजन दर्द सारा ही छोड़ दिया। एक मिनट, ये किस भिखारी को लेके घर में घुस गए हो? क्या हो गया अशमत भाई, फकीर नहीं तुम्हारी अपनी औलाद है, गौर से देखो। अरे ये किसने कर दिया इसका हाल? भाई मोहल्ले के लड़कों ने तबीयत से धोया है, इतना तो जिंदगी में आपने इसको नहीं मारा होगा। अरे तो तुमने बताया नहीं कि ये अशमत का बेटा है, मेरा बेटा ही है। अरे बताया था कि अशमत की औलाद है, फिर जो साइड पे खड़े होकर तमाशा देख रहे थे ना, उन्होंने भी धोया तबीयत से। क्या बात कर रहे हो तुम शहरी? मेरा भाई। ये वही शर्ट है जो मैंने सुबह प्रेस करके रखी थी और तुमने चुरा ली, और ऊपर से फाड़ फोड़ भी दी। यार तुझे अपनी शर्ट की पड़ी है भाई, कुत्ते की तरह पिटा है वो, नहीं बड़े ही जन मुरीद कमजोर पे। मुझे इस शर्ट के पैसे चाहिए अभी के अभी।
मुझसे चटके पैसे मांग रहे तू? शरी बेटा, शरी बेटा, पहले लंगली देके से नीचे गिरा। ओ नहीं नहीं भाई, पहले गुड्डे में मुक्के मार, उसके बाद घुटना मार, घुटना की टोड़ी पर, उसके बाद टक्कर मार नाक के ऊपर, उसके बाद आँख में उंगली घुसा दे। एक मिनट, दो भाई लड़ रहे, लड़ने दो। तुम क्यों बता रहे हो, तुम कौन हो? अब्बा इसने भी ना रश में घुस के मारा था, मैंने देखा था इसको। मत की औलाद को रश में घुस के मार रहा था तू? आ जाओ पहले इसको पकड़ो, इसको इसने ना रॉक की तरह मारा मुझे, लाते मारी, घूंसे मारी, मुक्का मारा और दाव भी लगाया। अब्बा एक काम करो, इसे वो स्लैम चॉक मारते हैं अंडरटेकर वाला, खड़ा कर, खड़ा कर, इसको उठा, स्लैम चॉक मारते हैं। वैसे आप कहीं जा भी नहीं सकते, अगर स्कूल गए होते तो आज कहीं जाना ना पड़ता। चाहूं भाई सुना है, बहुत मरम्मत हुई है आपकी। इधर आ सुल्तान। नहीं नहीं भाई, हाथापाई का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। अबे नहीं मारूंगा, इधर आना कसम से यार। नहीं नहीं भाई नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। अबे इधर आ जा, नहीं तो बोलो। मैं क्या तुझे जाहिल लगता हूँ? हाँ भाई, आप तो खानदानी जाहिल है भाई। अबे झूठे मुंह भी तेरे मुंह से ना नहीं निकला है, तेरा मुंह तो तेजाब से धोखा देखना। नहीं नहीं शरी बेटा, नहीं तेजाब नहीं, उसमें थोड़ा पानी मिला लेना। क्या हो गया भाई, ये तेजाब से मेरा मुंह धोने की बात कर रहे हो और आप फजूल मशवरे दे रहे, पानी मिलाने से क्या होगा? थोड़ी जलन कम होगी। वहशत ही वहशत है भाई, 400। भाई क्या बोल गया, वहशत ही वहशत है चार। वो कह रहा था वहशत ही वहशत है तुम्हारे मुंह पर। अब ऐसा तो नहीं बोला, रहने दो। अरे भाई 400 का मतलब होता है सामने वाले का मुंह, इतनी सी बात थी बस। हैं? अब देखना मैं भी पढ़ा लिखा इंसान बनूंगा, नेक इंसान बनूंगा, तमीजदार इंसान बनूंगा, देखना अब्बा। लड़की का चक्कर है? अब्बा शादी वादी का सोच रहे हो? बच्चों तक भी दिमाग गया होगा तुम्हारा। तुम्हें पता है माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है? ये तो मुझे भी पता है, लेकिन वो बच्चों के लिए होगी। तुम कुत्ते बनोगे जनमुरीद अपने भाइयों की तरह, मुझे पता है तुम्हारा। अब्बा बस हो गई, मैं बता रहा हूँ। बहुत मारा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ आदमी मार खाने से मजबूत होता है। जाहिद ने भी मारा था। ख्वातीनों हज़रात, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आप सब लोगों को यहाँ जमा करने का मकसद ये है कि कालाबाग डैम का मसला जू का तू है, मजीद सूबे बनने का मामला भी इल्तवा का शिकार है और 462 अरब रुपए वाला भी खुला घूम रहा है। तो ये कि इन मामलात पे बात करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अरे अब्बा जो बात करना है वो करे ना यार। सॉरी, असल में आज मैं ये ऐलान करने आया था कि मेरे बेटे शहरी ने जहालत से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है, अब वो एक मुहज्जब इंसान बनना चाहता है। तो आप कब ले रहे हैं रिटायरमेंट फिर? हाँ भाई अब तो इनका भी वक्त आ ही गया है। ए फिरोज, तुम्हारी बीवी कह रही है मेरा वक्त आ गया और तुम बैठ के बातें सुन रहे हो? अरे बेगम आप क्यों भूल जाती हैं, बुराई क़यामत तक जारी रहेगी, फिर भी आपने बोल दिया। मुझे पता था तुम कोई ऐसी बकवास करोगे, इसलिए मैं पहले ही तैयारी करके बैठा, तुम्हें दूर से दूंगा। तो फिर हमें आगे बिठा लिया, जो करना है करो। अरे बात तो सुनो, 400 तुम मेरे मुंह के सामने बैठी हो तो यही बोलूंगा, सामने वाले के मुंह को बोलते 400। शेरी 400 का मतलब होता है चारों तरफ, मैं जानता हूँ तुम इनडायरेक्टली क्या कह रहे हो। ये कहना चाह रहा है कि सुषमा का चेहरा चारों तरफ दिखाई देता है ना शेरी? हसमत अंकल, अबे चल। इतनी तो अभी तभी होती है इस घर में, खाक कोई जहालत तर करेगा। अगर इन लोगों ने जहालत छोड़ दी तो मतलब समझो बत्तख ने पानी छोड़ दिया। भाई फिरोज, ये बात करके तुम्हारी बीवी ने साबित कर दिया कि वो इन जाहिलों के क्लब से ताल्लुक रखती है, क्योंकि हमने खुद बतख को सड़क पे चलते हुए देखा है ना शहरी? हाँ अब्बा, वो बड़ी वाली जो पीछे लग गई थी ना। हाँ, तुमने उसके पॉपकॉर्न उठाए थे ना। अरे भाई गोली मारो बतखों को। ये बता तू क्या कर रहा है? भाई मैं भी पढ़ूंगी, इस शख्स ने मुझे जाहिल होने के इतने ताने दिए कि मेरा दिल छन्नी हो गया भाई। अगर तुम्हारा दिल छन्नी हो गया तो उस पर बजरी छान लो। अम्मा मुझे सुल्तान पे पूरा यकीन है, ये हमको मीठी मीठी बातें सिखाएगा। हाँ वही बातें जो करके इसने तुम्हारा पत्ता काट दिया और खुद उस्मान से शादी कर ली। हसमत अंकल, अबे चल। भाई मैं भी तेरे साथ हूँ, बट डन हो गया, सुल्तान पढ़ाएगा हमें। हेलो 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 फंटरमैन। अरे फंटरमैन नहीं होता यार, जेंटलमैन होता है। वही सेम। हेलो भाई, जाहिलों के सरदार भी आ गए। भाई तू भी ट्यूशन सेंटर में हिस्सा ले ले, मास्टर सुल्तान पढ़ाएंगे भाई हमें। मास्टर सुल्तान तो मेरे अब्बा के दर्जी का नाम। ये हरकतें देखो इसकी, ये जहालत छोड़ेगा। सॉरी। देखो भाई कॉन्फ्रेंस का वक्त खत्म हो गया, अब मैंने आप लोगों ने नाश्ते का इंतजाम किया, चिकन पेटीज है इस तरह और बहुत सारी समोसे वमोसे चीजें मैंने मंगाई, आ जाए। अरे वाह भाई, खाने का इंतजाम भी है। नहीं नहीं बैठ जाओ, मजाक कर रहा था। सब लोग भूखे हैं भाई माशाल्लाह। मैं यही बोलूँ, ये कंगला कहाँ से खिलाएगा? शरीफ भाई जहालत छोड़ कर काबिल बन रहे, बस समझ लो मुझे भी यहाँ दुबई में नौकरी मिल ही जाएगी।
और सनकी का तुम्हारी जॉब से क्या लेना देना? वो सनकी अगर ऐसी बात कर सकता है बेबी तो कुछ भी हो सकता है। तुम सारी चीजें छोड़कर बस अपने काम पर ध्यान दो, समझे? इन लोगों की बातों पे ध्यान देने का वक्त नहीं है। भैंस पानी में उतरना छोड़ सकती है लेकिन ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। अरे बेगम क्या हो गया यार, आप मुतवातर गलत मिसालें दे रही हैं। भैंस गई पानी में, ये है असल मिसाल। इससे पहले भी ना आपने वहाँ पे उल्टी सीधी कोई वो बत्तख पानी से निकल गई और भैंस पानी में से, क्या हो गया? तुम भी ना जाहिल हो एक नंबर के। जाओ जाके मास्टर सुल्तान के पास एडमिशन ले लो। मेरी मिसालें ना एकदम सही है। देखिए सही लगा है। छोड़ दो, मैं खुद लगा लूंगी। तो इधर कुछ ठीक नहीं होगा सुल्तान, आप सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरे ये सत्ता जारिया है, अगर हशमत और शेरी सुधर जाए ना तो मेरा ईमान है ये माशरा सुधर जाएगा, क्योंकि इस माशरे की 90% बुराइयों के जिम्मेदार हशमत और शेरी हैं। और आप इस माशरे के फजूल तरीन इंसान है। बिल्ली को बुला रही हो? क्या हो गया हशु, आपने तो मुझसे प्यार से बात करना ही छोड़ दी। आखिर मैंने किया क्या है? कहाँ खो गया भाई तुम्हारा प्यार? तुम एक जाहिल औरत, कभी हशु हशु कहती हो, कभी छी 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 करती हो। देखना एक दिन पढ़ लिख कर ऐसी काबिल औरत बन जाऊंगी कि याद करोगे तुम। बड़ी आई मदर ड्रेसा, जाओ भाई समझ लिया मैंने, रोकेंगे जाओ। अच्छा नहीं रोकोगे? जाऊँ? हाँ नहीं रोकेंगे, दफा हो यहाँ से। अच्छा एक मिनट बात सुनो, बात सुनो, तुम्हारे पास 2.50 के हैं? कभी 10 रुपए दिए खर्ची के नाम से? कंगला कहीं का नहीं देना खुला, ना तो बातें सुनाने की क्या जरूरत है। हर आदमी ऊपर से आ रहा है, सबका दिमाग खराब हो गया। यहाँ गिरे थे 50 रुपए कल किसी के, उस वक्त मैंने देखा था। भाई आज बाकायदा सबक का आगाज करने से पहले कोई भी स्टूडेंट कोई भी मुश्किल से मुश्किल सवाल भी पूछना चाहे तो पूछ ले। सुल्तान साहब जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि अगर सकी हसन में सुबह 5 बजे पानी आएगा तो न्यू कराची सेक्टर 11B में कब तक पहुंचेगा? अरे भाई मुझे क्या पता, मैं क्या वाल मिल लगाऊ क्या? हट गई भाई इसकी, हट गई। सर हाँ भाई काबिल नौजवान, पूछिए क्या पूछना है। सर क्लासरूम में सब शूज उतार के बैठे, कोई मोजे उतार के बैठा, बता कौन बैठा है बड़ी? अबे भाई मैं क्या मोजे सूंघता फिर रहा हूँ, मैं क्या कुत्ता हूँ क्या? ये तो आपको खुद पता होगा। सर हाँ ये जहीन नौजवान लग रहा है भाई ये। पूछो भाई पूछो क्या पूछ रहे हो। उस्ताद मोहतरम आसमान पे कितने तारे? शरी बेटा अभी जो आपको नजर आएंगे ना उतने तारे होंगे। देखो जरा आसमान पे बकवास कर रहे हैं, फालतू के सवाल जवाब कर रहे हैं, और तुम क्या सवाल जवाब का सेशन शुरू करके खड़े हो? पढ़ाओ भाई सीधा सीधा, असेंबली का सेशन चल रहा है क्या? अरे यार पापा क्या हो गया यार, उस्ताद का तकद्दस होता है जिसे यह मुसलसल पामाल किया जा रहा है। शरी बेटा इसको पामाल करो पहले तो। अरे आप इसे मार मार कर निडाल कर दो यार। अरे भाई हम ही कर ले सारे काम इसकी तो। अरे भाई आप पढ़ाई शुरू भी कर लो, फिर वो इंटरव्यू भी तो शुरू हो जाएगा ना। कौन सा इंटरव्यू? इसने क्या मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे दिया जो इंटरव्यू देने जाएंगे? नहीं मुझाई, मेरा कहने का मतलब था पहले स्कूल शुरू होता फिर उसके बाद जो होता ना चाट समोसे निकालते बच्चे। ये देखो नदीदी के दिमाग में चल क्या रहा है, चाट समोसे चल रहे हैं इसके दिमाग के अंदर। जाहिल औरत उसे इंटरवेल कहते हैं, इंटरवेल। हशु अगर तुमने मुझे एक दफा भी जाहिल औरत कहा था अच्छा दिया। तुम्हें 10 दफा कहूंगा जाहिल औरत जाहिल औरत जाहिल औरत। अरे यार पापा क्या हो गया आपको? अरे अम्मी हुजूर जाने दीजिए, दफा कीजिए। ओए होए बाप को कह रहे दफा करें, गरक करें, गटर में भा दें। ए ये सब उसने कब बोला, तू तो सुन ही हो गया। भाई इनफ इज इनफ, मैं चला जाऊंगा अगर ये तूफानी बदतमीजी नहीं थमा। एक मिनट, तूफानी बदतमीजी ये क्यों लिख रहे हो? अरे भाई मैं सारे मुश्किल अल्फाज लिखूंगा और याद करूंगा। अच्छा ये बात है तो फिर लिखो, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, ये लिखो भी और दोहराओ भी। हाँ अरे भाई बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं लिख रहा। अरे भाई कोई उसकी भी सुन लो, वो भी पढ़ाने के लिए आया, सरगोधा से चप्पल सिलवाने नहीं आया। मुजाहिद क्या हो गया, क्यों डरा रहा है भाई? ये बात आराम से भी बोल देता, पढ़ाना है पढ़ा भाई, दिमाग पे डब्बू क्यों खेल रहा है? बड़ी टाइट लाया भाई तू। अब तुम कहाँ जा रहे हो भैया? पापा मुझे थोड़ा सा आसरा हुआ, एक उम्मीद हुई कि शायद आप लोग इंसान बन जाए, पर नहीं आप लोग नहीं बन सकते। रुक जाओ भाई पहले इसको लटा के मारेंगे, बंद कर दे अपने तालीम तरबियत का पीरियड, एक्सरसाइज का पीरियड शुरू, ऐसी की तैसी तो। यू डोंट नीड टू वरी, आई विल कॉल यू बैक लेटर।
अरे यार सुल्तान, गलती हो गई ना यार, माफ कर दे भाई। नहीं भाई, मैंने हाथ उठा लिए भाई, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। आप लोग जहालत की उस मचान पर बैठे जहाँ मेरे हाथ नहीं पहुँच सकते भाई। अरे तो भाई कुर्सी रख के उतार लेना, चलियो तुम तो भाई। चलियो किस किस्म के अलकाबात से नवाज रहे मुझे भाई, मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता और ना ही मैं आप लोगों से बोलूंगा। अरे यार ऐसे तो उसमें भी नहीं लूटी कभी जिस तरह आप लूट रहे। शरी भाई भूल जाना सब। देख अगर मेरी हट गई ना, चार पांच रख दूंगा, फिर नहीं बोलियो। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हुआ? अब्बा तुम्हारी वजह से ना इसने ट्यूशन का शटर बिगड़ा दिया। हाँ अरे ये तुम्हें क्या पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाता ना पढ़ाए, गरक करो गरक करो। गुफ्तगू सुनिए जरा इनकी। सुनो भाई सुनो, सुननी भी चाहिए ताकि जिंदगी की कुछ गुण सीख सको तुम। अब्बा तुम्हारी वजह से ना मेरा हमेशा नुकसान होता है, अभी तुम्हारा फायदा करा देते हैं ये लोग। किस किस्म के खतरनाक गुस्से मारे भाई इन्होंने। इस किस्म के मुक्के तुम्हें भी मार सकते हैं। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ तुम। बकवास कर रहे हो तुम, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था, आपकी शान में पुल बांध रहा था, इतने बड़े 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 बड़े। हाँ भाई बावली बगलोल बन के कहाँ फिर रहे हो? भाई ये बावली बगलोल क्या होता है भाई? इधर आओ। ये होता है बावली बगलोल भाई। हद हो गई भाई, हद हो गई भाई, तुम लोग तो जहालत की दलदल में दस चुके हो। ए सुल्तान, ए सुल्तान मुझे पढ़ा देना। मैंने ना हशु से वादा किया है कि पढ़ लिख कर ना एक अजीम औरत बन के दिखाऊंगी। हाँ अजीम औरत बनोगी? ओ मुझे तो डर है तुम पढ़ लिख कर कहीं हशु को लानत भेज कर गलती नहीं हो जाओ। दफा हो मर्दूत। अरे भाई मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता भाई, मेरे बस की बात नहीं है आप लोगों को सुधारना भाई। कुछ नहीं बचा इस सुल्तान में, बिक चुका है ये, सारे के सारे मिलकर ना पागल बना रहे। अरे इनकी तो अरे बस 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 आपा, आगे क्या बोलना चाहते हो? हम समझ गए आगे बोलने की जरूरत नहीं है। अरे इसको खरीद के कोई दही की खाली थैली ना दे, ये बिकेगा बताओ। और तुझे रख के कोई छुआरा ना दे, उठ यहाँ से, तेरे बाप का घर है जो बैठ जाता है, दफा हो यहाँ से। अच्छा आपा तुम बनोगी अजीम औरत है, मुझे ये इज्जत दे रही हो? कन्नों से बच गया वरना तुम्हारा दामाद बन के बैठा हुआ होता है घर के अंदर। अरे जूती उतारूं तुझे मोड़ने के लिए? अरे तू आ जाता है हमें सताने के लिए, और तू क्या पढ़ाएगा? नहीं देख तू कैसे नहीं पढ़ाएगा, चल पढ़ा, चल चल चल। जी सुल्तान, पढ़ा लिया आपने इन जाहिलों को? आखिर है ना जाहिलों का खानदान पूरा का पूरा। अब अगर किसी ने भी मेरे वालिद साहब और मेरे भाई के खिलाफ कुछ कहा तो मैं क्या तुम, मैं बुरा मान सकता हूँ तो और क्या कहा जाए? मेरा बेचारा शोहर दुबई में मारा मारा फिर रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं है यहाँ पर। तो क्या फर्क पड़ता है, वो यहाँ पे भी तो मारा मारा ही फिर रहा था। भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि ये लोग मुझे क्या क्या कह रहे हैं, कोई मुझे बावली बगलोल कह रहा है, कोई मुझे चरिया कह रहा है, ये लोग मुझे क्या क्या कह रहे हैं भाई? क्योंकि तुम हो बावली बगलोल। बेगम अब मैं बावली बगलोल बन के दिखाऊंगा। बाजी वो ये सुल्तान भाई को क्या हो गया? मुझे पता है कि इसकी किस तरह से हटाई गई होगी। हटाई गई होगी? आखिर हो ना तुम हशमत का खून, ये कोई वर्ड होता है यूज करने का? नहीं बेगम, मेरा कहने का मतलब ये था कि मतलब कैसे इनकी तजलील की गई होगी, इज्जत नफ्स को किस तरह से मजरूह किया गया होगा। हाँ तो इस तरह से बोला करो ना। जी बेगम वैसे आपस की बात है, जब आप मुझे जलील करती है तो मेरी भी ऐसी हट जाती है। फिर हटाई गई? चुप रहा करो तुम। सॉरी। अरे भाई बहरोज तुम मुझे ये बताओ कि तुम जुमेरा बीच गए या नहीं गए? अरे नहीं गया अब्बा, कहीं नहीं गया। अब आप मेरी बिस्मा से बात करा दो वरना मैं मर जाऊंगा। मर जाओ, इससे अच्छा है कि तुम मर जाओ, अब तक तुमने बुर्जुल खलीफा भी नहीं देखा। अरे भाई जब इतनी मोहब्बत थी, इतनी याद आ रही है, जाने की जरूरत क्या थी बेगैरत इंसान? तुम कौन हो तो ये सब बातें बोलने वाले होते कौन हो तुम? तुम्हारी ऐसी बात? इसको छोड़ो, मेरी सुनो। तुम हमारी बात सुनो, मुझे फौरन 10,000 दरम भेजो, मुझे बहुत सख्त जरूरत है, बहुत इमरजेंसी पड़ गई है यहाँ पर। अब्बा तुम्हें लू लग गई है, अपनी बगल में कुछ देर प्यास रखो, जब तक मेरी बिस्मा से बात होने दो। हाजा तफरियातुन मामूयात, हाजा हराम खोरातुन पाकिस्तानियात काम करातुन, हाजा तारीख पाटतुन है दौलत धरमतुन तनख्वातुन कामातुन चेकुन रेमुन रेमुन कामातुन रेमुन हाजा साफातुन बाथरूमियात। अरे वाह अशमत भाई, तुम्हारी औलाद तो दुबई में भी कुत्ते की तरह पिट रही है। अब्बा ये कहते हैं काम करो, बस काम करो, सुबह निकल जाओ शाम में आओ, मैं क्या करूं अब्बा? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा अब्बा, मुझे बचा लो मुझे अब्बा, मुझे वापस आना है। लेकिन अभी जो आदमी तुम्हें मार रहा था ये तो बिल्कुल मुजाहिद की शक्ल का है। मुजाहिद का ये तुम्हारा बाप है, वो तो अरबी था, तुम तो लोकल हो। नहीं नहीं, मेरी माँ बताती है कि मैं समंदर में बह कर आया था। अबे चल लियारी नदी में बह कर आया होगा, समंदर में बह के आया था, लाइफ ऑफ पाई चल रही है यहाँ पर। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, तुम की मुस्कुरा रहे हो इतना, क्या हो गया? अब्बा कमरे में बिस्मा है ना, तुझे कैसे पता? अब्बा सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है, आपने देखा ना, मैंने सही गेस किया ना। अबे चल ये आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
अरे भाई बेरोज का फोन आया, वो कह रहा है कि बिस्मा से बात करा दो, हशमत चाचा बिलावजा की लंबी कर रहा है। और आपको शर्म नहीं आती, किससे पूछकर आप मेरा फोन उठा कर लाएं? दे वापस। बेबी संभाल अपना मोबाइल, इस जालिम आदमी से इसको जरा तरस दिया था, ये मेरी तुम्हारे से बात होने नहीं देता। मैं वापस आ रहा हूँ बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मेरा दिल नहीं लग रहा, बस मैं वापस आ रहा हूँ मैं। नहीं कोई जरूरत नहीं वापस आने की, पहले अपना काम सेट करो उसके बाद वापस आना। और आप, आपका अपना फोन कहाँ है भाई? मेरा मोबाइल तो ये रहा, असल में इसका डाटा पैकेज नहीं चल रहा था तो मैंने वो उठा लिया। नहीं चल रहा था डाटा पैकेज, वो क्या होता है ऑन रखता हूँ ना तो ज्यादा पैसे कटते हैं, इसलिए मैं ऑफ करके रखता हूँ। अरे हसमत भाई मेरी चप्पल टूट गई है, 50 रुपए तो उधार दे दो यार। तो बड़ी बात की तुमने भाई। अरे ये वाह मिल गए 50 रुपए, वैसे पैसों की मारा मारी है, 50 रुपए मांग रहे हमसे। मैं जानता हूँ मैं खता का हूँ, मुझे माफ कर दे। शहरी क्या हो गया है तुम्हें, पागल तो नहीं हो गए? आप चाहे कुछ भी कहें लेकिन मुझे माफी दरकार है। शहरी चलिए, क्या बोल रहे हैं तुम यहाँ पे खड़ा होगे? सुल्तान ये क्या हो गया तुम्हें? अबे ओ बावली बगलोन, निकल यहाँ से, मैं इस चरिए से बात कर रहा हूँ। आप हद में रहे, चुप है। देख भाई मुझे करने दे प्रैक्टिस, मुझे जाना है प्रपोज करने, समझ गया? अब निकल तू। अबे पहले उनको जाके धो जिनसे तू धुलाई खा के आया है, तब बनेगा हीरो, तब फंसेगी तुझसे लड़कियाँ। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया। अब्बा बहरोज, फेरोज जल्दी आ जाओ। देखो भाई अब बात हशमत की अना पर आ गई, उन लोगों ने हशमत की औलाद को मारा, तो जिसने भी शहरी को मारा था उसको छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे सबको, चुन चुन के। शाबाश यहीं से शुरू। वेरी गुड हशमत भाई, जल्दी हो गए। फड्डा करना है, फुल फड्डा करना है। तो फड्डा करना है, मैं तो बोलता हूँ बाहर खड्डा कर ले। तुम बैठो इधर, तुम बिना वजह हवाई चल रहे हो, हमारा तो हवाई काम है, तुम मुफ्त में मारे जाओगे। देखना कैसे उछल उछल के चमाटे मारूंगा मैं। दान साहब शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, बजाय इन लोगों को सिखाने के आप खुद इन जैसे बन गए। भिड़ो इन जैसा बनने में फायदा है। आप भाई पहले इसको लिटाओ, कह रहा है इन जैसा, बाप को कह रहा है इन जैसा। मेरे शौहर को भी ले गए साथ, पता नहीं कहाँ लड़ने भिड़ने, यही दिन देखना था बस। अरे तेरा शौहर ना इतना जहरीला छिछोड़ा बना घूम रहा था, कोट वोट उतार के ना अजीब से कपड़े पहन के गया है। ये फिरोज भी इनके साथ गया था ना? अरे भाभी फिरोज भाई को सीधा ना समझे, हर बुराई में इन्हीं लोगों के साथ होते हैं। अल्लाह का शुक्र है बहरोज यहाँ से चला गया, और बहुत जल्द मुझे भी वहाँ बुला लेगा। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हैं आप लोग? गर्मी ना तेरे दिमाग को चढ़ गई, जा मेरी बच्ची जा अपने कमरे में जाके हवा में बैठ। शरी बेटा यही लड़के हैं जिन्होंने तुम्हें कूटा था? जी अब्बा। सिर्फ दो से पिट गए तुम? और भी थे। अभी तो इन दो को ही पकड़ते हैं, क्या कहते हो? एक मिनट अब्बा। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे समझा करो ना एक मिनट को, इसके तो बाप से भी नहीं फंसेगी। ए क्या बकवास कर रहे हो हमारे बारे में, एक तो हम तुम्हें अपनी मदद के लिए लेकर आओ, ऊपर से हमारे बारे में बकवास, हमारे बारे में बकवास, दिमाग खराब किया तुम्हारा। बस सुनो, बस सुनो, तुम फिर आ गए? उस वक्त मैं जाहिल था। तो आपके पीएचडी करके आए दो दिन में? तूफानी बदतमीजी ना करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आपके महल्ले के लड़कों ने मुझे मारा था ना, आज मैं उनको इबरत का निशान बनाऊंगा, वो भी आपकी आंखों के सामने, आप देखती रह जाएंगी। जल्दी कर लो भाई, जल्दी कर लो। क्या हुआ, क्या हुआ? देखा अब्बा कैसे हिल गई? नजर आ रहा था उसके तासुरा, देख रहे थे हम भी। ओए मर्द के बच्चे हो तो आओ सामने। ओ भाई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आराम से लड़ लेंगे। चलो भाई शहरी और सुल्तान हमारी तरफ से लीड करेंगे, कम ऑन गाइस, कम ऑन। दो है चार पांच छह, ये तो ज्यादा हो गए। निकलो निकलो बेटा, निकलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी 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 निकलो जल्दी।